भारत में कई सालों से केसर का उपयोग किया जा रहा है। आजकल बाजार में सभी चीजों में मिलावट होती है और कई चीजों की नकल भी उतारी जाती है, क्योंकि केसर बहुत महंगा होता है। केसर खरीदते समय असली और नकली केसर की पहचान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं कुछ आसान तरीके, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका केसर असली है या फिर नकली। शुरू करने से पहले हमारे चैनल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे करें केसर की पहचान। सुगंध। शुद्ध केसर की सुगंध शहद और सूखे हुए घास की तरह मीठी होती है। अगर केसर सूखने के बाद आपको कोई भी तेज या कड़वी गंध आती है तो वह केसर न खरीदें। स्वाद। केसर की गंध भले ही मीठी हो, लेकिन इसका स्वाद कड़वा होता है। जरा सा केसर लेकर अपनी जीभ पर रखिए। अगर 15-20 मिनट के बाद आपको सिर में गर्मी महसूस होती है तो केसर असली है। मिलावटी केसर का स्वाद मीठा होता है और इसे चखने के बाद ये आपके जीभ पर लाल रंग छोड़ती है। पानी में रंग का टेस्ट। शुद्ध केसर का रंग पानी में धीरे धीरे नजर आता है और अगर केसर मिलावटी है तो पानी में डालने के तुरंत बाद वह अपना लाल रंग छोड़ देता है। रंग। शुद्ध केसर का रंग हमेशा लाल होता है। केसर के किस्मों यानी के धागे का रंग जितना ज्यादा गाढ़ा हो उतना केसर अच्छा माना जाता है। कई बार केसर के डिब्बे में लाल के साथ पीले रंग की किस्में दिखाई देती है। अगर पीले रंग की किस्में 2 या 3 से ज्यादा है तो उसे ना खरीदे। पीले रंग की किस्मों का वजन लाल रंग के केसर से काफी ज्यादा होता है और डिब्बे का वजन बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीले रंग की किस्में रसोई में कोई भी मायने नहीं रखती है और ना ही इनमें कोई औषधि गुण है। बेकिंग सोडा और पानी का टेस्ट। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा मिलाइए। अब इस मिश्रण में केसर की 2 से 3 किस्में डालिए। अगर ये पानी धीरे धीरे गाढ़ा पीला होने लगता है तो केसर असली है। अगर पानी का रंग तुरंत लाल या नारंगी हो जाता है तो केसर नकली है। केसर का उपयोग आयुर्वेद में झड़ते बालों की समस्या के लिए, स्वस्थ और सुंदर त्वचा पाने के लिए और हृदय रोग में किया जाता है। हाल ही में इसका उपयोग कैंसर को रोकने में भी किया जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि मानसिक रोगों में भी किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। केसर को हमेशा ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह में कांच की हवा बंद डिब्बे में रखिए। इससे इसकी खुशबू और स्वाद बरकरार रहेगी। अगर आपके पास भी कुछ टिप्स है जिससे हम ये जान सके कि जो केसर हम यूज कर रहे हैं वो असली है या फिर नकली, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।